नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारा वाईफाई टी साला यूट्यूब चैनल। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम जिक्र करते हैं एस हार्टोन जो SETC एग्ज़ाम जो देने जा रहे हैं हमारे कुछ अभ्यर्थी सब्सक्राइबर जो भी है, चाहे वो पहला टेस्ट हो चाहे दूसरा हो। देखिए, दूसरे टेस्ट के लिए मैंने नोट्स भी बना रखे हैं और पहले टेस्ट के लिए भी हमने क्वेश्चन के नोट्स बना रखे हैं, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेंगे, पेड रहेंगे सब। और यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा, जैसे कि पहला टेस्ट होता है उसके लिए मैंने एक तुक्का ट्रिक बना रखी है। आप लिख सकते हैं यूट्यूब पे SETC तुक्का ट्रिक, तो हमारा वीडियो ऊपर आ जाएगा कि डाटा इंटरप्रेटर और SETC की तुक्का ट्रिक क्या है, ठीक है, और कैसे टाइपिंग करना है वो भी मैंने बता रखा है। यानी कि आपको बता दूँ, आपको क्वेश्चन याद करने जो दे रखे हैं PDF के अंदर, और बाकी और भी क्वेश्चन आपने याद करने हैं, तुक्का ट्रिक को आजमाना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है अच्छे से फॉलो करना है, और उसके बाद जब आपका पहला टेस्ट पास हो जाएगा, आपके 25 नंबर आएंगे, फिर आपका टाइपिंग होगा। टाइपिंग में क्या करना, आपने टाइपिंग पैराग्राफ को पहले पढ़ लेना, कोशिश करना कि आप पढ़ लें उनको, और अपना कीबोर्ड आप चेक कीजिए। पहले टाइपिंग करने से पहले कीबोर्ड को चेक कीजिए कि सही से सभी बटन दब रहे हैं नहीं दब रहे हैं, क्योंकि जब तक हम स्टार्ट पर क्लिक नहीं करते तब तक हमारा टाइपिंग टेस्ट शुरू नहीं होता। इसलिए स्टार्ट पर क्लिक करने से पहले कीबोर्ड को चेक करके देख लीजिए। कई बार तो क्या होता है, हमारे पास पेज रखा होता है, हम पहले उसको थोड़ा बहुत टाइप करके देख लेते हैं, हमारा अभ्यास हो जाता है। अगर हम टाइप नहीं कर सकते उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये अपने मन से कभी भी कोई स्पेलिंग नहीं बनाना, जो उसके अंदर लिखा है गलत, चाहे गलत स्पेलिंग हो तो वही गलत ही आपने लिखनी है, ठीक है। और आपको एक पेज दिया जाता है, आपको ये भी पता है, उसको देख के आपको टाइप करना होता है। पहले देखना है कि पैराग्राफ टैब से शुरू है क्या, टैब का मतलब क्या होता है, और जो स्पेस होता है उस शुरू में पैराग्राफ में वो एक टैब माना जाता है, और टैब दे के आप टाइपिंग करना है। अगर आपका पैराग्राफ में टैब है, अगर पैराग्राफ में टैब नहीं है तो फिर आपने टैब नहीं लगाना है। इन चीज़ों को बड़े ध्यान से करना है। और जैसे लाइन खत्म हो जाती है, लाइन खत्म होने के बाद कभी एंटर नहीं आता, वो लाइन ऑटोमेटिक नीचे आ जाती। हाँ, जब पैराग्राफ खत्म हो जाता है तब हमें एंटर लगाना होता है। वो एंटर हम स्पेस दे के भी लगा सकते हैं, डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, इसमें कोई फंडा नहीं है ज़्यादा। लेकिन ध्यान करना, टाइपिंग करते समय आपको एक भी वर्ड मिस नहीं करना, ना ही लाइन मिस करनी। अगर आपने ये मिस कर दिया तो फेल हो जाए आप। या SETC में गलतियां आप हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट स्पीड आपकी 30 आनी चाहिए। चाहे आप मान लीजिए आपकी 40 की स्पीड आ रही है अच्छे से, और आप करेक्टर पूरे जो करेक्टर डाल रहे हैं 750 वो आप सही तरीके से डाल रहे हो, लेकिन आपकी 40 की स्पीड है, आपकी 10 गलतियां हैं, तो आप -10 कर दो कि 30 की स्पीड आ जाए, वो 30 की स्पीड आपकी नेट आनी चाहिए, तब जाके आप पास होगे, ठीक है। और अगर आप 30 की स्पीड निकालते हो, गलतियां करते हो ज़्यादा, कोई कहता है दो गलतियां माफ हैं, पर यहाँ पर कोई गलतियां माफ नहीं है। 30 की स्पीड निकालिए, दो गलतियां आपने कर दी तो आपकी 28 की स्पीड आएगी, आप फेल हो जाओगे। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, किसका एग्जाम कब है कमेंट करें, आपका पहला एग्जाम है या दोनों एग्जाम है जो भी है कमेंट।